नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। एमपीजी टू बॉक्स के लिए 67th ई ऑक्शन कब किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों एमपीजी फोर बॉक्स के लिए 66th ई ऑक्शन की घोषणा प्रसार भारती ने कर दिया है। और जैसे ही प्रसार भारती ने घोषणा किया, अनाउंसमेंट किया, मैंने आप सभी लोगों को अपडेट बताया, उसके बाद कमेंट आने लगा कि भाई एमपीजी फोर बॉक्स के लिए तो हो गया, लेकिन एमपीजी टू बॉक्स के लिए ई ऑक्शन कब किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट चैनल्स देखने को मिलते हैं, जो आपके पसंदीदा चैनल स्टार उत्सव, सोनी पल, जी अनमोल, करण रिश्ते, स्टार स्पोर्ट्स, फर्स्ट, स्टार भारत और भी आपके कई पसंदीदा चैनल हैं जो एमपीजी टू बॉक्स में ही देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से लगातार कमेंट आ रहा है कि एमपीजी टू बॉक्स में अब 67th ई ऑक्शन कब होगा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एमपीजी टू बॉक्स में 67th ई ऑक्शन कब किया जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि एमपीजी फोर बॉक्स के लिए 66 ई ऑक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, अब आती है आपके फायदे वाली बात, क्योंकि एमपीजी फोर मुझे नहीं लगता कि आप लोग पसंद करते होंगे। सबसे ज्यादा जो डेढ़े फीड इसके दर्शक हैं पसंद करते हैं, वो एमपीजी टू सेटअप बॉक्स को पसंद करते हैं और यहाँ पे भरपूर मनोरंजन भी होता है। तो दोस्तों, क्योंकि एमपीजी फोर में सिर्फ 22 नए चैनल्स लॉन्च होने के वहाँ मौके थे, इसलिए प्रसार भारती ने भी सोचा कि सबसे पहले एमपीजी फोर को निपटा लिया जाए, क्योंकि उसमें समय कम लगेगा। और दोस्तों, एमपीजी टू बॉक्स में समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे चैनल ज़्यादा होते हैं और प्रसार भारती को मैनेज करने में समय लगता है, जिसकी वजह से 66 ई ऑक्शन एमपीजी फोर बॉक्स के लिए कर दिया गया है। और दोस्तों, अब एमपीजी टू बॉक्स के लिए 67th ई ऑक्शन किया जाएगा। डेट की अगर हम बात करें तो दोस्तों, प्रसार भारती बहुत जल्द इसका डेट का अनाउंसमेंट करने वाला है, और जहां तक अनुमान है कि ये मार्च के महीने में ही किया जाएगा। जी हां दोस्तों, एमपीजी टू बॉक्स के लिए 67th एनुअल ई ऑक्शन मार्च के महीने में किया जाएगा, और यहां पे आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा चैनल देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, दोनों ही एमपीजी फोर के और एमपीजी टू के जो भी चैनल यहाँ पे स्लॉट जीतेंगे, वो सभी 1 अप्रैल 2023 से डेढ़े फीड इस पर देखने को मिलेंगे और एक साल के लिए देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एनुअल ऑक्शन है, सालाना ऑक्शन है, यहाँ पे कोई दोस्तों एक या दो चैनल के लिए ऑक्शन नहीं किया जा रहा है, ये सभी चैनल्स के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे प्राइवेट चैनल भी पार्टिसिपेट करेंगे, प्राइवेट चैनल भी देखने को मिलेंगे। इस वजह से इसमें एमपीजी टू बॉक्स में समय लग रहा है, क्योंकि उसको मैनेज करने में प्रसार भारती को थोड़ा समय लगता है, जिसकी वजह से एमपीजी फोर का एनुअल ई ऑक्शन जल्दी कर लिया जा रहा है और एमपीजी टू बॉक्स का मार्च के महीने में किया जाएगा, जिससे कि आपके पसंदीदा सभी चैनल डेढ़े फीड इस पर 1 अप्रैल 2023 से आपको देखने को मिलने लगेंगे। सो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।